स्टॉक मार्केट उनके लिए है जिनके पास पैसे कहीं से ना कहीं से आ रहे हैं। ओके, आपके पास भी आ रहा है, यू नो 10-20 हज़ार आप कमा ही रहे हो महीने का, आपके पास पैसा आ रहा है, 1-2 हज़ार इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी छोटी गोल है ना तो आप आराम से खुश रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे पैसे लाइफ में एक्वायर करना है ना, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो ये एकदम गलत तरीका है कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करके पैसा बना लोगे चाहे ट्रेडिंग करके पैसा बना लोगे। ये कोई रास्ता ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। हकीकत यह है कि आपका जो इनकम है ना उसको पहले नेक्स्ट लेवल तक ले जाना पड़ेगा, और वो सट्टेबाजी करके करोगे ट्रेडिंग करके, हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग का कोई गारंटी नहीं है, तो आप मतलब मुश्किल है यार, यू नो। तो पहले यही करो कि अगर जॉब कर रहे हो और जॉब करना पसंद है तो सोचो कि आपका जो सैलरी है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, ओवर टाइम करके चाहे 5 जॉब करके, जैसे भी करना है करो, पहली बात। दूसरी बात, अगर जॉब पसंद नहीं है तो बिजनेस करो, ओके, स्टार्ट योर ऑन बिजनेस, अपना बिजनेस स्टार्ट करो। मतलब आपका फोकस होना चाहिए कि आप एसेट क्रिएट करो जिससे आपको इनकम आए, ओके। ये हकीकत है, जब तक आप अपना इनकम इंक्रीज नहीं करोगे ना आप कहीं नहीं जा रहे हो, ओके। आप 3,000-4,000 पर मंथ भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मज़ा नहीं आएगा, किक नहीं आएगा, समझे। तो फोकस करो कि आपका जो इनकम है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, ओके। ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना बोल रहे हैं कि आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप 200 रुपये से, अबे मजाक चल रहा है क्या, लाइफ है भाई, खिलवाड़ मत करो, ठीक है। अगर आपका उम्र 25-30 साल है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, अभी टाइम है कुछ कर देने का, बाद में तो आराम करेंगे ही। अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो ट्रेडिंग तो करेंगे, इन्वेस्टिंग तो करेंगे, और अभी टाइम कुछ अलग करने का, ओके। इंक्रीज योर इनकम सोर्सेस, क्रिएट एसेट्स जो आपको पैसे दे जीवन भर। स्टॉक मार्केट उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस है, चाहे उनके पास ऑलरेडी पैसे आ रहे हैं, यू नो कहीं से ना कहीं से पैसे आ रहे हैं, तो रिस्क ले सकते हैं। एक सेकंड के लिए मान लो आपने जॉब करके 10-20 लाख रुपया बना लिया, ओके। आप ना उस पैसे को इन्वेस्टिंग करने से भी डरोगे, और क्यों नहीं डरोगे, वो पैसा आपके पूरे जीवन का कमाई का है, यू नो आपने मेहनत करके कमाया है, और उसको इन्वेस्ट करने के लिए ना आप 100 बार सोचोगे, और वैसे पैसे ग्रो नहीं होते। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आंख बंद कर लेना होता है, जो होगा वो देखा जाएगा, ये हकीकत है, रिस्क लेना पड़ता है ऐसे। तो आप स्टॉक मार्केट में तभी पैसा लगा पाते हैं जब पैसे आ रहे हैं कि यार चलो वो एसेट है ना, हाँ घर है ना उससे मेरे को पैसा आ रहा है, रेंट आ रहा है, वो बिजनेस है ना उससे पैसे आ रहे हैं, 1-2 लाख डूब भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब एक्चुअल में पैसा बनता है। तो पहले आप अपना इनिशियल अमाउंट जो है ना उसको देखो कहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, इस पर फोकस करो। सी यू।